कटनी जिले के सलीमनाबाद तहसील में निखिल इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में आग लगने से लगभग 20 लाख का सामान खाक हो गया। दुकान के मालिक ने बताया कि रात करीब 2 बजे फोन आया कि उनकी दुकान में आग लग गई है। जब तक दुकान मालिक वहां पहुंचे तो देखा कि सारा सामान खाक हो चुका था। रात में ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग अभी भी सुलग रही है और पूरी दुकान का सामान जलकर खाक हो गया है। दुकान मालिक हरिश्चंद्र, जो कि इमलिया के निवासी हैं, वो तुलसी जायसवाल के मकान में इलेक्ट्रिकल्स की दुकान खोले थे। तुलसी जायसवाल ने बताया कि मकान के सारे दरवाजे खिड़की सब खाक हो गए हैं और दीवारों में चटकन आ गई है। मकान में रखा सामान भी खाक हो चुका है। मकान मालिक का भी 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है।